तबके की टीम ने राज्य में जमीनी हालात का अध्ययन किया। ममता बनर्जी ने कमजोर कड़ियों को दुरुस्त किया। फिर क्या था, दीदी के करिश्माई नेतृत्व और पीके की रणनीति ने कमाल कर दिखाया। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही ममता बनर्जी यह समझ चुकी थी कि उनकी आगे की राह आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी के जादू से ममता सदमे में थी। बंगाल में भाजपा मजबूती से पैठ बना चुकी थी। भाजपा का वोट शेयर तृणमूल से महज 3% ही कम रह गया था। भाजपा के सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 18 पहुंच गई थी, तो वहीं ममता की सीटें 34 से घटकर 22 पर अटक गई थी। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के बंगाल में प्रवेश के लिए यह समय सही था। आईपैक के मुखिया पीके यानी प्रशांत किशोर की मीटिंग ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हुई। ममता बनर्जी ने पीके को चुनाव रणनीतिकार के तौर पर स्वीकार किया। इस बीच पीके की टीम ने बंगाल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हालात का जायजा लिया और ममता बनर्जी को जमीनी सच से अवगत कराया। ममता ने कमजोर कड़ी को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। वहीं बंगाल के लिए आईपैक के करीब 1600 कर्मचारियों ने चुनाव मैदान में मोर्चा संभाल लिया। हर विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पर 4-4 आदमी, 2 वॉलंटियर का काम केवल व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था और विधानसभा क्षेत्र के नए लोगों को जोड़ना था। हर विधानसभा में 2 आईपैक के कर्मचारी स्थायी तौर पर नियुक्त किए गए हैं। सबसे ऊपर लीडरशिप टीम होती है, जिसे LT कहा जाता है। LT में 4 लोग होते हैं जिनकी ज़्यादातर मीटिंग बेहद गोपनीय होती है। इसमें 4 लोगों के अलावा आईपैक के निर्देशक शामिल होते हैं। ऐसी ज़्यादातर मीटिंग में पीके खुद भी मौजूद होते हैं। गोपनीय बैठक में सरकारी योजनाओं के अमल, मतदान के रुझान, मतों के ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण सहित तमाम मसलों पर चिंतन मंथन होता है। रणनीति तय की जाती है। इसके नीचे आते हैं EC मेंबर। इलेक्शनरी काउंसिल में 18 से 20 लोग होते हैं। PIU यानी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट, TD यानी डिजिटल टीम जैसी कई अलग अलग टीमें भी होती हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।